देख लो मैं अपना फोन फेंक दूंगा इसमें, आपका बहुत अच्छा फोटो है। हाँ जी, हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। कल हम पहुंच गए थे ले रात को 11 बजे। भाई साहब केलोंग से चले थे सुबह 4:30 बजे और रात को पहुंचे 11 बजे ले। रेस्ट किया सुबह, आराम से उठे 9 बजे, ब्रेकफास्ट किया। हमने सोचा साइट सीइंग करेंगे। आज हम अपनी गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर रहे, आज हम कर रहे हैं, आज हमने बुक की है ज़ाइलो। साइट सीइंग के लिए हमने ज़ाइलो बुक किया, आप देख सकते हो। और अंकल जी आगे बैठे हैं। गुड मॉर्निंग अंकल जी। मॉर्निंग। तो कहाँ जा रहे हैं? हॉल ऑफ फेम से होके आ चुके हैं। हाँ, और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहब जी। बहुत पुराना और बहुत ऐतिहासिक है, जो पहाड़ के नीचे बना हुआ है। इसका एक इतिहास है कि किसी राक्षस ने गुरु नानक देव जी पे एक पहाड़ से अटैक किया था और वो नीचे प्रवचन कर रहे थे, तो लोग बैठे थे और वो उनके कंधे पे आके अड़ गया, तो मोम की तरह एकदम गुरु नानक देव जी उसके अंदर हो गए और वो पिघलता हुआ मोम की तरह हो गया। ये उसका इतिहास है। इसके बाद हम आगे जाएंगे और बताते हैं आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम जाएंगे एक गुरुद्वारा पत्थर साहब। तो मेरे साथ बैठे हैं जीजा जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया जी, बढ़िया। और यहाँ बैठे हैं सुनील भाई, ठीक हो? गॉगल आप पहले नहीं लगाते जो कैसे भी बिना गॉगल के बात नहीं करते, आपको पता तो है। गुड मॉर्निंग सुनील भाई, ढाबे वाले सुनील। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। बढ़िया जी, ठीक चल रहा है सब कुछ? अच्छा सर, ठीक चल रहा है, बहुत मजा आ रहे हैं। अच्छा हाँ जी, चलो और मजे आते रहे। बाहर आप सीन देखो क्या जबरदस्त चल रहे हैं जी। ये देखने के गॉगल्स लगाके अलग ही मजा है। हाँ, गॉगल्स लगाके तो और मजा डबल हो जाता है। आज आपने नोट नहीं किया मेरी ब्लैक टोपी, ब्लैक कैप, ब्लैक कुर्ता, ब्लैक पजामा, भाई साहब बहुत तरी सब मैन इन ब्लैक, ब्लैक सही शेव वेव करके बिल्कुल टिप टॉप। कलम स्नो, स्नो पॉइंट पे, स्नो पॉइंट। हाँ, सुनील भाई को भी स्नोमैन भी बनना है, किसी स्नो पॉइंट पर हम जाएंगे। इनको बनाना है आपने? बनाना है। स्नोमैन बनाना। अच्छा, तो किसी स्नो पॉइंट पर कर दूंगा शायद हम कल जाएं तो वहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में अगर वैसे भी अगर हम जाएंगे ना तो हम ही बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे स्नोमैन बनने से मतलब ऐसा मैं बनाऊँ या आप कोई बने, सही बात है। और ये हम पक्का कहते हैं स्नोमैन बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब वो कहाँ बनता है स्नोमैन, कहाँ बनता है ये हम बाद में खुलासा करेंगे, ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, तो इस टाइम हम खड़े हैं पत्थर साहब गुरुद्वारे के बाहर। टाइमिंग्स यहाँ के हैं सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक। और हम अंदर हुए हैं, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। हमने बाहर आके चाय और रस खाया है, और चाय और रस प्रसाद में हमने खाया है। और वैसे हमने लंगर भी करना था लेकिन कोविड की वजह से अभी लंगर नहीं हो रहा, लेकिन आप आगे कभी आएँ तो लंगर के टाइमिंग्स हैं 12:30 बजे से शाम को 4 बजे तक। ठीक है जी, मेरी सभी देखने वालों से प्रार्थना है कि जो लोग भी ले आए ले के इर्द गिर्द हों वो इस स्थान पर जरूर आए और यहाँ दर्शन जरूर करें। और एक बार ऊपर दिखाएं आपको जो यहाँ का इतिहास है, वहाँ से वो पहाड़ आया था, नीचे गुरु नानक देव जी नीचे बैठे प्रवचन कर रहे थे और उसके बाद वो मोम हो गया और मोम की तरह उनका कंधा और उनकी पूरी आकृति उसके अंदर चली गई। पहाड़ उन्हीं से रुका, एक भी किसी प्रवचन सुनने वाले को कोई चोट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो राक्षस की वजह से। आज भी ऊपर जो स्थान बना हुआ है उस वक्त वो बहुत ऊंचा पहाड़ था, यहाँ सड़क नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और इस वक्त पूरी उन्होंने यहाँ पे आकृति दी हुई है। मैंने भी इस गुरुद्वारे का बहुत नाम सुना था कि जब भी ले आए तो दर्शन करना जरूर आए, और आज हमने आपको दर्शन करा दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गूगल्स कहाँ हैं? गूगल्स अंदर है, वहाँ पे अलाउड नहीं अंदर। और गुरुद्वारा पत्थर साहब आर्मी ही मेंटेन करती है। तो इस टाइम हम खड़े हैं मैग्नेटिक हिल पर। जिस हिल की जो खास बात है, अगर गाड़ी यहाँ खड़ी हो इस पॉइंट के बीच में, इस बॉक्स के बीच में, आप गाड़ी को बंद कर दो और गाड़ी अपने आप धीरे धीरे आगे हिल की तरफ खिसती चली जाएगी, ऊँचाई की तरफ, कुछ आगे ऊँचाई की तरफ, थोड़ी आगे फिर ढलान की तरफ जाती जाएगी गाड़ी। और यहाँ पर मैग्नेटिक हिल पर आप ये ए वी कौन सी बाइक है पूछ के आ रहा हूँ, ATV स्कूटर भी है, आप ATV स्कूटर का भी लुफ्त उठा सकते हैं, लेकिन इसकी टिकट है 1000 रुपये और जिसमें आप 2 किलोमीटर तक इसको चला सकते हैं। हम नहीं चला रहे क्योंकि यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, हवा बहुत तेज़ है, कहीं हम भीग न जाएँ। तो हम जा रहे हैं, या आपको मैं स्कूटर थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, लुक कैसे, ये वाला स्कूटर है।
फोनेटिक हिल से कुछ ही किलोमीटर आगे आके हम आए हैं नीमो जगह पर, जहाँ पर संगम है दो नदियों का, इंडस रिवर जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं और झास्कर रिवर। तो आप ये देख सकते हैं सामने संगम है, यहाँ से आती है इंडस, ये जो हरे रंग की आपको दिखाई दे रही है ये इंडस है जिसको सिंधु कहते हैं, और सामने से आ रही झास्कर से आ रही है झास्कर रिवर। ये वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट है, अगर आप यहाँ राफ्टिंग कर रहे हैं तो समझ लो दुनिया की सबसे ऊपर जगह पर आप राफ्टिंग कर रहे हो। तो बहुत बढ़िया चल रहा है माहौल, यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है इस टाइम, वेली बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है ना, लोग सब चलती है यहाँ से, हम भी जाने वाले, बारिश में वैसे भी शाम हो गई है और अंधेरा गिरने वाला है और बारिश हो जाए तो ज़्यादा खतरनाक। तो सुनील भाई से पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है संगम का माहौल, व्यू तो बहुत अच्छा है। एक मिनट संदीप जी, ये गॉगल्स देना यार, क्या करना है गॉगल्स का, दो मिनट यार कोई वीडियो बन रही है, कमाल है बार बार यार गॉगल्स यार प्लीज यार दे दो यार गॉगल्स, देख लो मैं अपना फोन फेंक दूंगा इसमें, आप बहुत अच्छी फोटो है, हाँ जी नहीं नहीं अलाउ फिर गॉगल दे दो, अपना फोन फेंक रहे हैं आपकी एक फोटो के लिए, और बताओ चलो फेंकते हैं नहीं रही यार आपकी फोटो भी तो कुछ अहमियत रखती है। हाँ जी सर, हाँ जी बताओ जी, अब हमारे बंदा फॉर्म में, व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है। एक बात बताओ, आपको गूगल मैप नहीं दिखता तो है ना इतने अंधेरे में हमारे को वैसे कम दिखाई दे रहा है, देख रहे हो राफ्टिंग आ रही है, ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, अच्छा बर्फों के पहाड़ है, ये सामने गूगल का कमाल है, गूगल का कमाल है, ये इसीलिए गूगल पहनते हैं क्योंकि जो कुछ भी बर्फ ने धरा है, वो दूर चोटी में बर्फ भी पड़ी हुई है, स्नोफॉल, वो तो है आज तो वैसे ही मैन इन ब्लैक है भाई, आज दूर लग रहे हैं भाई आज तो, दबंग स्टाइल में आपको गॉगल्स पीछे लगाना चाहिए अपने कुर्ते के, मैं यहाँ लग यहाँ पर तो नेक्स्ट टाइम नहीं अपना एक गॉगल पीछे रखेंगे, संदीप जी निकाल लेते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने गॉगल्स का ना राज डिस्क्लोज नहीं किया, राज वो बाद में बताएंगे, वो थोड़ा सीक्रेट है, वो कर दूंगा से पूछेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे, नहीं जबरदस्त राज, और क्या होगा कि उन्हें धूप बर्फ नजर आती है, तो खरदुंगला में इस गॉगल्स का राज पूछेंगे, वैसे थोड़ा ये बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में अपने, अगर नहीं बताया अभी तक, अगर इनका बस चले तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में गॉगल लगा ले तो बर्फ वहाँ भी पड़ेगा सरकार भी गई हुई है, और भी फायदे, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, चलो जी चलते हैं अब यहाँ से, बारिश तेज होने वाली है, निकल ये देखो वर्ल्ड्स हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट ये है, और यहाँ डॉगी भी सोया हुआ है, ये भी सोया हुआ है, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है इनकी, हमारे दिल्ली में मतलब उनकी हेयर ग्रोथ थोड़ी कम है, यहाँ के डॉगीज की हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, लगता है शैम्पू वैम्पू लगाते हैं वो, और यहाँ पर ये संगम कैफ़े भी है, संगम कैफ़े संगम पर, नीमू जगह का नाम है नीमू, यहाँ कैफेटेरिया है, यहाँ देखते हैं हम कुछ खाते हैं, कुछ देख तो रहे हैं अंदर सब कि क्या खाना है, यहाँ का मेन्यू है, काफ़ी भीड़ है भाई यहाँ पर, लोग संगम का मज़ा तो ले रहे हैं साथ में खाने पीने का आनंद भी उठा रहे हैं, और यहाँ सबसे पहले हमने ऑर्डर की है मैगी, गरम गरम मैगी है, खाने का मज़ा आ जाएगा भाई, धुएँ निकल रहे हैं मैगी, और अब आ गया है हमारा ग्रिल सैंडविच, ग्रिल सैंडविच खाएंगे उसके बाद पियेंगे चाय और यहाँ से चलेंगे फिर आगे। और अब हम पहुंच गए हैं लेह की मार्केट में, लेह लद्दाख की मार्केट में, बहुत पुरानी मार्केट है, अब इसका रूप चेंज हो चुका है, पहले सिस्टम अलग था, अंदर से ही गाड़ियाँ निकल जाती थी, छोटे मोटे व्हीकल निकल जाते थे, अब इसको स्टेबल करके मार्बल लगा के बहुत बढ़िया बना दिया सारा, और आप कभी भी आएँ तो इस जगह को देख कर आप खुश हो जाएंगे, अवश्य आएँ, ज़रूर आएँ, धन्यवाद, चले जी चलते हैं, और यहाँ आए तो मास्क ना उतारे भाई, यहाँ चलान तो पक्का कट ही जाएगा नहीं तो, ठीक है अगर
ले में इसमें इस टाइम स्टिकनेस बहुत है, आरटीपीसीआर के बगैर तो आपको ले में एंट्री हो नहीं सकती। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो ध्यान रखें कि आरटीपीसीआर टेस्ट आपका हुआ होना चाहिए, 96 आवर्स का वो मांग रहे हैं आरटीपीसीआर। अगर और कईयों का वो अगर आरटीपीसीआर होने के बावजूद भी उपसी में वो टेस्ट भी कर लेते हैं, रैपिड टेस्ट भी कर लेते हैं, कई गाड़ियों का कर रहे थे, फॉर्चुनेटली हमारा रैपिड टेस्ट उन्होंने नहीं किया। किस कारण से बताओ किस कारण? हमारा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अच्छा, और क्या, हमने गॉगल्स लगाए हुए थे। हमारा इसलिए नहीं हुआ कि हमने इनको आगे कर दिया, हम चुप गए गाड़ी पहुँचे। हमने कहा इनको लिमिट लेने से बाद में देखेंगे, तो इसलिए हमारा नहीं हुआ। नहीं तो सुनील भाई तो पीछे पड़े थे कि करवो, मैं रैपिड टेस्ट कराना है ना। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमारे संदीप जी ने हमारा ख्याल रखा है, पूरा ख्याल रखा है, सबको रैपिड से बचा दिया। अगर रैपिड हो जाता हो, पॉजिटिव हो जाता तो बॉर्डर से वापस भेज देते हैं। हाँ जी, ये देखो जैकेट्स, श्वेता होती तो ये वाली जैकेट जरूर लेती। साफ सुथरी मार्केट है, वो मार्केट मुझे अच्छी लगती है जिसमें बीच में ट्रैफिक ना आए, गाड़ियां ना आए। एक तो रास्ता बनाओ लोगों के चलने के लिए, ये नहीं कि गाड़ियां भी बीच में हैं, हम भी बीच में हैं, कोई पैर पे चढ़ रहा है उतर रहा है। कहीं भी चलो, कहीं भी उतरो, बस साफ सुथरा, गंद मत मचाओ बस। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और आप देखो। हाँ जी सही है, गर्म टोपी है। तो ये देखिए, आपने आज की वीडियो कैसी लगी हमें बताना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। और मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।